नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन 1 करोड़ की धरोहर राशि में खोद दी करोड़ों की सड़कें। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गेल गैस इंडिया लिमिटेड द्वारा शहर की कई कॉलोनियों की सड़कों को मनमाने तरीके से खोद कर पटक दिया गया है। शहर में वैसे ही वार्डों में बनी सड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नगर पालिका उसमें सुधार तो नहीं कर पा रही है, उल्टे गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गैस कंपनी द्वारा सड़कों को मनमाने तरीके से खोदकर पटक दिया गया है। नागरिकों ने जब लगातार शिकायत की तब हमारे चैनल ने पहल करते हुए कंपनी के एम्प्लॉय एवं नगर पालिका के इंजीनियर को ऑन द स्पॉट बुलाकर उनको समस्या बताए और उनसे सवाल किए। क्या कहा दोनों ने दर्शक खुद सुन लें। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। यहाँ से भी गाड़ी आएगी, सीधे भी आएगी। अभी देखा वो बंदा अटक गया। वो तो पहले थे, वो अपना गड्ढा खराब हो गया। वो नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। जो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका नियम क्या है? ये गैस गेल गैस के थ्रू यहाँ बिछाई जा रही है, इसका नियम है सर। हम लोग पूरा पहले लाइन का सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद अथॉरिटी को जाती है, अथॉरिटी से परमिशन आती है, फिर लाइन लिंक करते हैं। लेकिन शिकायत ये आ रही है कि आप लोग गड्ढा खोद के छोड़ देते हैं। सर थोड़ा बारिश वगैरह हो गई है, दो पोजीशन पर कहीं दिक्कत है, उसको हम करवा देते हैं। नहीं तो महीनों से खुदे पड़े हैं गड्ढे आपके? महीनों से तो सर पोजीशन पर ही होगी, बाकी है तो नहीं कहीं। दो जो आप बता रहे हैं उसको हम करवा देंगे। आपकी कोई धरोहर राशि रहती है नगर पालिका में क्या? जी सर। कोई धरोहर राशि रहती है नगर पालिका में आपकी? सर हमारी जमा रहती है। जी। तो ये जो पहले रोड बना हुआ था डामरी सीमेंट रोड, क्या आप वैसे करके देंगे दोबारा? ऊपर करके देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्ज्वल आकाश हुआ, मैं रायसेन से। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जगह जगह गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन गड्ढों को पूरा नहीं जा रहा है, नागरिकों की शिकायत है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? गेल के द्वारा जो गैस लाइन डाली जा रही है उसमें जो HDD मेथड या मोइल मेथड से जो इनके गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों को पूरने के लिए उनको पहले 7 दिवस बाद टेस्टिंग करनी पड़ती है। उस टेस्टिंग के उपरांत ही ये गड्ढे को पूरने का काम करते हैं। जिस स्थिति में गड्ढे के पहले जो स्थिति बनी थी वही इनको पाइपलाइन डालने के बाद वो स्थिति बनाकर देनी है। अगर ये लोग नहीं करते ऐसा तो नगर पालिका के पास कोई नियम है? हाँ, अगर ये उस तरीके से जो पहले अगर रोड खोदा है तो रोड को अगर वापस उसी तरीके से अगर रिस्टोर नहीं किया जाता है तो वापस से उसकी जो धरोहर राशि इन्होंने जमा करी है नगर पालिका में, उस धरोहर राशि को इस्तेमाल में लाते हुए फिर वापस हम लोग रोड को रिस्टोर कर सकते हैं।